2,000 भी दे जुड़े, डॉक्यूमेंट भी दे जुड़े, ते पैसे नहीं आए। फिर मैं पूछ, तब अपने खाते च भी पैसे पाई सकते, सानू बदनाम करने वास्ते, साड़ी पंचायत की बदनाम करने वास्ते अपने अपने अकाउंट च पैसे पाई सकते। कल देश दे प्रधानमंत्री मोदी होरी उंदा इक्कै सपना हा कि गरीब लोकें की जेह्ड़ा है पक्की छत मिले। उन्हें आख्या मैं दिल्ली का पैसे पागा तो सीधे जेड़े ने वो गरीब परिवार पक्की छत आस्तै उसे सीधे अकाउंट च पौने हैं, बिच करप्शन करने वाला जेड़ा है वह कोई नहीं होना। लेकिन मिगी लगता है कि हुन सेंटर तो गै मोदी जी की संज्ञान लैना पौना है कि गौरमेंट तो दिल्ली का पैसा पा करती है, देश के प्रधानमंत्री तो स्कीम के तहत पैसा पा करते हैं, लेकिन बिच बचोलिए जड़े ने वह भी तैयार होइए ने। एक मसला फिर एक वर्ती है जोड़ा है वह उठी चुकया है। मैं इसलिए पंचायत जी है फोर लैन बेस्ट बी दे विच पुज्जे दा, जिथे एक मामला उभरी सामने आ करता है एक महिला कोला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ा है 2,000 रुपया मंगया जा करता है कि अगर तुहानू इस स्कीम का लाभ लेना है तो तुहानू 2,000 जोड़ा है वह देने पौग, नहीं तो तुहाडे जोड़े पैसे ने नहीं आने। ये भी मनिया पैसे भी देते 2,000 भी देता, लेकिन स्कीम के तहत हाले तक पैसे नहीं आए। जे आई जाते तो ता नहा बोलना, लेकिन हूँ नहीं आवा दे हैं तो इन्हें आवाज़ चुकी है। और मैं इसलिए इस प्हाड़ी दूर दराज क्षेत्र दन्नी दे विच इत्थै पुज्जे दा, और मैं अज तुहानू उस महिला कन्नै मिलाना चाहना जिहड़ा एक गरीब परिवार तो बिलोंग करती है, तो उसी पैसे नहीं आए। सरपंच हुंदे कन्नै गल होआ करदी ही कि 21 घरें की जी है वह ग्रांट अस इतों मंजूर कराई है, इतों जे प्रायोरिटी के लोग है जो गरीब लोग है जिंदा पक्का छत नहीं है खुलियां च रोंदे हे उंदा इतों ना भेजिया, लेकिन कई ऐसी मिली भगत होई अगू ना कटोईए। लेकिन चलो मनिया और ना कटोईए, लेकिन जिंदा लोकें का ना आए दा हा उंदे कोला पैसे किस बेस पर मंगिया जा करदे। आखिर ये बंदा कौन है जिहड़ा 2-2,000 रुपया लैवा करदा ते लोकें की आखा दा मैं तुहाडे अकाउंट च जिहड़े आ ओह पैसे पवाना। आओ गल करने हैं उस महिला कन्नै जिहदे कोला 2,000 लेता गया इस स्कीम के अंदर, क्या उसी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा होया, उंदे कोला गै पुछने आं। हाँ जी, केह नां तुहाडा? राधा देवी। राधा जी, कुत्थे रहने वाले तुस? अस फरल दे रहने वाले। अच्छा, फरल है तुहाडे घर? हाँ जी। के वाकई के है, के गल है, क्या परेशान हो तुस? वो आखदे सानू 2,000 रुपया देना ते तुसें गी इस महीने च गै अस मार 31 मार्च हा पहले पहले पैसे पाई उड़गे। अच्छा। 2,000 भी देई उड़िया, डाक्यूमेंट भी देई उड़े ते पैसे नहीं आए। फिर मैं पुछया उन्हें कि उन्हें आखिया आई जाने भला, फिर कल उन्हें आधार कार्ड नंबर मंगया ते मी उन्हें हैनी दिता। अच्छा। ते फिर असें इंदे मैंबर उंदे कन्नै गल कीती, इन्हें आखिया कुसै नहीं देने भला, तुस मेरे कन्नै गल करियो, कोई भी किश होग ते मिगी सनाना भला। ते मैं इनेंगी सनाई दित्ता। ए 2,000 लैने आह्ला बंदा कौन है और केह नां इहदा? ना उधर साढ़े पिंडे दा गै। अच्छा, कौन है ये? केह नां? अच्छा, ये कियां पहचान होई तुहानू इंदे कन्नै कि हां भई तुहाडा नां आई गेदा ते पैसे देओ? हुण ऐ उधर दे रौहने वाले हे, सानू केह पता हा, पहले साढ़े घरे दे आले तां मैं उंदे जकीन करिए पैसे देई दित्ते, नहीं तां मैं जकीन नहीं करना हा कुसे दा। नहीं, क्या आखिया तुहानू भला प्रधानमंत्री आवास योजना तहत तुहानू पैसे पवागे ते तुस सानू पैसे दिओ? आहो 2,000 भेजो ते मैं आनलाइन भला पुआना है थोड़े पैसे। अच्छा। हाँ, लेकिन हाले तक जरा पैसे नहीं पे? नहीं पे है ना। क्या चाहते हो? मी तो पैसे चाहिए हे। तो घर पाना? हाँ, घर घर नहीं थोड़ा घर है तो सही न, उधर कच्चे न। अच्छा, कच्चे न। मतलब कि तुम चाहते हे कि जो मोदी होने एक वादा किया था कि पक्की छत थोग, तुम भी सोचा कुत सू भी कोई ग्रांट थोई जाता है? चल अस भी पाई लेंगे। तुम कि बहकावे आई है उन्दे? हाँ जी, कियां बहकावे आई? घर के आए थे उन्हें दिखे मम्मी दे जोड़े मियां थोड़े देने हे। ते हुण सरपंच हुंदे कन्नै गल कीती है, कि सरपंच होरें केह आखिया? उन्हें आखिया पुछने आं भला उनेंगी, लैने आं पता भला। ये महिला जिन्हें अपनी आप बीती दसी कि यह 2,000 लैने वाला बंदा केड़ा हा और उसका नाँ जिहड़ा है वह उजागर किया। यह स्कीम मैं जिला प्रशासन की भी आखना चाहना कि इन्हें लोकें की जड़ा है सज़ा होनी चाहिए कि जेडे गरीब परिवार के पैसे आए थे तो तुम उन्हें कोला पैसे जड़े है वो लै करते हो। आखिर क्या विभाग भी ये मिली भगत होई सकती? अस इल्जाम तो नहीं लाते, लेकिन यदि जांच पड़ताल काम करना जड़ा है, यदि जांच पड़ताल जी है वो होनी चाहिए और ये विभागीय जांच जी होनी चाहिए है। एक परिवार और भी है जड़ा जिहदी बड़ी जरूरत ही
उदा ना अग्गे गेदा लेकिन उदा ना कटाईता प्रधानमंत्री आवास योजना तू उंदे कन्ने भी गल करंग उंदा के नां है और उंदा नां जड़ा है वो कुन कटाया सर तुहाडा के नां मेरा नां कुलदीप सिंह कुलदीप सिंह जी कुत्थों रोने वाले हो सैड दा सैड दे रोने वाले हो ते प्रधानमंत्री योजना जिहड़ी है चला दी कदी तुहानूं पता ही है ते कोई है नां नूं कोई इहदे च दो लिस्ट है नां ते त्री चा नहीं ओ के गल कुन कटाया कोई पता नहीं क्या आखते सरपंच होरी सरपंच होरे आखिया उन्हें आख्या करने वेरीफाई होंगे थोड़ा ना गेदा हाँ थोड़े को नहीं कोई पैसे पूहे मंगा दा ना मगर ना ही कटोई है तो पैसे पैसे के मंगने तो हूँ तुम्हें मतलब कि जरूरत ही जरूरत ही पक्की छत की तुम भी चाहते ही कि साड़ा सपना साकार हो साड़ी भी कोई पक्की छत हो कखे की कुली उदा ही रोना नुआड़िया कंधा भी भजी दियाँ तो उत्थे रोवाना कम के करते हो तैड़ी लाना मजबूर है मतलब कि तुम भी सोचा कुदै मोदी होने आखे तो पक्की छत थोनी है तो कोई वह लाभ तुम भी ले लाओ तो कुदै पक्की छत कुदै बरसांती जड़ा है वह पानी नहीं टबरा नहीं चोवे इो गल होंगी ना और होंगे हाँ जी तो हूँ क्या चाहते तुम अस भी इे चाहे भी थोवे पाई लैचा कोई कमरा साढ़े कन्नै इतों के नायब सरपंच भी हैं नायब सरपंच हमें कन्नै गल करंग कि क्या इन्ना ये पिछड़े का इलाका है कि लोगों को पता नहीं लगा करता दो दो हज़ार भी दे आ करते हैं कैं नहीं गल होआ करती है कैं अगर मजूरी अगर कैं गड़बड़ी जी होआ करती है नायब साहब तुम भी इतने रोने वाले हो हाँ जी मैं इतों रोने हाँ जी पंचायत फोरल इनवेस्ट भी नायब सरपंच है मैं अच्छा के मसला है मसला यह है ये लेडीज जी है राधा देवी ये मेरे ग्रां की है अच्छा इन कल मी फोन किया इन्हें कल मी इन्हें फोन किया इन्हें भाई मेरे को अज आधार कार्ड मंगा दा मैं क्यों मंगा थोड़े को आधार कार्ड आखा भी अगर देना आधार कार्ड थोड़ी किस्त पानी है जी फिर सुनाया मेरे को 2000 रुपया लिया उन्हें 31 मार्च को पहले 31 मार्च ही थोड़ी मैं किस्त पागी मैं पाई देगी मैं थोड़ी किस्त अज तक उनकी किस्त नहीं पई है बैंक च भी गए चेक करन खाता फिर भी इन्हें पूछा इन्हें असें पूछा भी सारी पे नहीं है उन्हें कहा भी इसने अगले महीने पई है किस्त और पता नहीं किन्ने लोगों को ले चुके हैं 2000 रुपया यदि वेरीफाई होनी चाहिए इस चीज़ की और बंदे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बंदा कोई मामूली नहीं एक ऐसे बंदे एक पार्टी का नाम बदनाम करा जो बंदा है शर्म चाहिए इसी बंदे जो लोगों को ग्रोही करा पैसे करा दा है क्या है 24 आवास प्लस नान मेरे अगर 2000 लेगा 48000 दे घर बैठे कमाई हुई है मेरे वार्ड के 24 नान आवास प्लस कल की तुम क्या नमुकरी आओगी सारे को पैसे नहीं लेते तो अज तक बोला दे कल मनी जाता तो फिर क्या करके देखो जिन्हें जिन्हें दिते दे मन दिते असी पैसे वो तो सामने लो जिन्हें दिते पैसे इन्हें मोदी सरकार ने पंचायत की भी सशक्त किया मजबूत किया पावना देती कि सरपंच जड़ा है वह सब कुछ है अगर सरपंच ने वो लिखीता तो समझ लो कि अप्रूवल हो हूँ ये विडंबना जी मुझे समझ नहीं आई कि अगर अप्रूवल हो तो कटोया क्या ये पिछले कौन है कुदा हथ है के होआ करता है कैं कैं कि चुनिंदा नुमाइंदे की लोग पुछते सवेरे वे घर भी चली जाते महाराज साड़ी ग्रांट नहीं पई है गल के तुम ना लिखी ले गुमराह क्या करा करते हो साढ़े कन्नै सरपंच हरजिंदर ठाकुर होरी ने इत्थों के उन्दे कन्नै गल करने कि यह मसला जोड़ा हा ये पूरा होया के ते ना कटाने वाला कौन हा और आखिर होआ दा केह है सरपंच साहब बड़ी विडंबना है कि मोदी होरी जड़े ने अकाउंट च पैसे पाते सीधे लोगों के अकाउंट च आते हैं लेकिन ये भी है फिर पहला चलो नकद हा तो बंदा उत्थूँ आता नहीं भी तू भी ले लै लेकिन अकाउंट टू अकाउंट पैसे आ करते हैं फिर भी करप्शन जी मुक्का नहीं करती की गल है सारे को पहले मनीष जी शुक्रिया थोड़ा तुम साढ़े ग्रां की कवरेज करने आए हो ये गल बड़ी शर्मनाक गल है जी अज साढ़े बच्चे आई है मेरे नायब सरपंच बलवीर होर जी मिगी सवेरे दे कॉल करा करते हे कि कोई मसला बने दा मैं कुछ काम वास्ते कठुए गया हाँ उतो वापस आया और पता चलिया मेरे को रिटर्न एप्लीकेशन आई है इसी असें देखिया पढ़िया हूँ पता चलिया कि आवास प्लस में कुछ शरारती तत्व ऐसे न जो 2000 रुपया ग्राह करते हैं जिन्हें लोगों का असें ऑनलाइन करवाए दा है ना ये 2019 आवास प्लस चलिया हा आवास प्लस में असें अपनी पंचायत उन्हें लोगों के नाँ पाए हे जो लोग डिजर्व करते थे और मैक्सीम अपने को कोशिश की थी कि जोड़े डिजर्व वो 100% आन कुछ बंदे छुट्टी भी गए हे टाइम थोड़ा मिले हा मतलब कि कभी साइड बिजी हो जाती है वजह कुछ अगर रही है ना उसी नहीं कि नैक्सट करके और ये बाद तीन बारी वो लिस्ट आई है वेरीफिकेशन वास्ते असें तीन बारी अप्रूव करिए भेजी दी है और बड़ा दुख की गल है कि कुछ साढ़े डिजर्विंग केस जड़े बड़े अच्छे डिजर्विंग है जो जिन्हें जरूरत ही कि सानू छत मिले
वो कुछ केस रही है, जैसे इन्हें कुलदीप होरें दस्सिया तुसें कि पिछे कि साड़ा रही है दो हिस्से ना त्रीए रही है, यह बड़ा डिजर्विंग केस था, एक सैट वार्ड नंबर दो था मेरा बड़ा डिजर्विंग केस था, मगर रही है। चलो असें वीडियो साहब ने गल की इस रिलेटड, वीडियो साहब ने आख्या भी अगर गौरमेंट का कोई बेनीफिट उन्हें ले तो उनका जरा ना कटोए, चलो असें इन्हें आश्वासन दिता कि नैक्सट टाइम जदी भी होग थोड़ा प्रायोरिटी अस ना पागे, मगर पिछले दिन कुछ चलिया कि आवास प्लस की प्रायोरिटी दो पंचायत वाइज परसेंटेज दी, उन्हें साड़ी पंचायत 21 केस आए, 21 केस चा 7 एससी 7 एसटी 7 जनरल। असें अपने एक मीटिंग की जी आर एस ग्राम सेवक प्लस मेरे पंचायत मैंबर जिन्हें भी वार्ड मैंबर आए, असें सारे मतलब कि जो डिजर्विंग जोड़े वेद केस बनते थे असें वो डिजर्विंग केस दते, असें एक लिस्ट बनाइए दी, एक रेजुलेशन पाइए दिता, बड़े दुख कने दुख होइए आख करने कि वह केस जोड़े दते हे उनके भी वह पूरे नहीं आए, और जोड़े नहीं दते हे उनके कुछ ना आई है। वो चीज़ का अज सू पता चलिया कि कुछ शरारती तत्व दो दो हज़ार रुपया लिया करते हैं, और इन्हें लोगों आखा दे कि अस थोड़ा ऑनलाइन कराने, वो ना पंच ने ना सरपंच ने ना कोई लंबड़दार ने ना कोई डिपार्टमेंट रिलेटड ने, उन्दे कन्ने कौन मिले दा है कौन नहीं मिले दा, वो कियां दफ्तर तक पुजे ने कियां वो ऑनलाइन करवा करते, अस पूरा मतलब कि डीपली गहराई जाइए अस पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, और अज के मैं वीडियो साहब की एक लैटर लगा लिखन उदे विच मैं ये करना मतलब कि कोशिश मेरी ये है कि मेरी पूरी पंचायत की कि पूरा वेरीफाई किया जाए वो शरारती तत्व है कौन है, कौन लोग जो दफ्तर के उनके कन्ने मिलते हैं। साढ़े वीडियो साहब बड़े अच्छे हॉनेस्ट परसन ने, और साढ़े जिया ग्राम सेवक होर भी बड़े अच्छे ने, जो भी गल है असें इतने अस बैठिए डिस्कस करने और रिजल्ट क्ढी अस सारा क्लीयर करने भी कौन डिजर्व करता कौन नहीं करता किहड़ा काम कुत्थे किया जाए सारे डिस्कस करी करने, बाहर के कौन लोग ने जो इतने इंट्रस्टड ने इन्हें लोगों कन्नै मिले देने और काम करना मतलब कि साड़ी पंचायत बिच एक गलत काम करा करते हैं जिहड़े गरीब लोगों की जिन्हें अस आवास प्लस दया करने, असें शर्म आती है इस गल करने की भी शर्म आती है कि उन्हें लोगों की जिन्हें कि आवास प्लस अस दया करने गरीब लोग ने जिंदे पर छत नहीं है उन्हें अस घर दया करने उनके कोला भी पैसे लै करते हैं दो दो हज़ार रुपया, शर्म आनी चाहिए उन्हें। सरपंच साहब एक गल सुना, पंचायत के लोगों की भी जागरूक होने पौना, बिल्कुल लोगों की भी जागरूक होने पौना, कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं सोचते कि डेढ़ लाख रुपया पेंशन आनी है तो अगर दो हज़ार भी देखे तो कम हो जा तो होर के चाहिए, लेकिन ये अगर मोदी सरकार आखा करती कि अस उत्थू अकाउंट पैसे पा करने थोड़े सीधे डायरेक्ट अकाउंट आ करते हैं फिर बिचड़े बिचोलिए कि पैदा हुआ करते हैं। सर एक गल थोड़ी भी सही है कि पब्लिक अवेयर होना जिसलै मेरे तक गल पुजी है मैं उनकी मतलब कि जो बेनीफिशरी ही उन्हें एक गल बोली है कि थोड़ा सरपंच जो नैब सरपंच है थोड़ा पंच है वो नैब सरपंच बनाए दा असें एक फार फलंग एरिया से साड़ी वार्ड है वो असें नैब सरपंच बनाए दा तुम उनके कन्नै कनैक्ट करो मेरे कन्नै कनैक्ट करो, हाँ अगर मेरे वार्ड का कोई भी मैंबर थोड़े कोला पैसे मंगता मैं उन्हें गया उसी मतलब कि बाहर कन्नै पंचायत बिच्चा जो गलत काम करेगा उसी अस टर्मीनेट करने बंदे की, अगर ये बंदे कुत्थों आ करते हैं शरारती तत्व इनके घर कियां पुजा करते हैं के चक्कर है इनका इंटरनल कुत्थे कुत्थे हत्थ है ये अस पूरा वेरीफाई करने हैं। दूजी गल डायरैक्ट गल मतलब कि पैसे की आती है मोदी साहब बोला कि डायरैक्ट पैसे असी अपने पंचायत में दिखा करने आई डी शमशेर सिंह की है तो पैसे जोड़े बलवान सिंह पवा करते हैं मतलब अकाउंट कुछ का आई डी कुछ डाकूमेंट कुछ तो वो डायरैक्ट पैसे इंया करेंगे तो कल की ऐसे शरारती तत्व अपने खाते च भी पैसे पाई सकते सानू बदनाम करने वास्ते साड़ी पंचायत की बदनाम करने वास्ते अपने अपनी अकाउंट च पैसे पाई सकते कल की वो आखना भी सरपंच पंच मिले देने अस इसी पूरा मतलब कि संज्ञान साढ़े गल आई है अस इसी पूरा डीपली वेरीफाई करना चाहते हैं और करने भी अस हैं पूरा क्लीयर करना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा जो क्लीयर करना और जो शरारती तत्व हैं उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अस करते हैं उन्दर एफ आई आर लाने भी पई है तो अस एफ आई आर लानी है क्योंकि जो गलत है जो समाज में गलत काम करते उसी अस बख्श के नहीं बिल्कुल नहीं बख्शे। बहुत शुक्रिया। तो करते हैं कि सरपंच भी उन्हें भी अपना रोष प्रकट किया कि लोगों की भी जागरूक होने पौना है पर के करचै गुमराह होना अज बड़ी बड़ी गल है क्योंकि कोई अहदेदारा हों कोई गल आखी दी है कि थोड़े पैसे पे जाएंगे अगर परसों पैसे पे जाए चौथ पैसे पे जाए लोग सोचते चलो कोई गल नहीं है लेकिन इतने जागरूक होने पौना देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के तहत लोगों की पक्की छत दया करते हैं लेकिन कुछ लोग बिचोलिए बनिए इतों भी पैसे ठगने का काम जोड़ा है वह करा करते हैं ये लोगों की सोचने पौना इहदे पर विभाग की सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है और जागरूक करना चाहिए इन्हें लोगों की कि कुसै की भी पैसे जड़े ने वो नहीं देन अगर प्रायोरिटी पर नंबर गए हैं तो उत्थू जड़े ने ब्लॉक चा नंबर जड़ा है वो कटाने वाला भी कौन बंदा है इहदे पर भी जड़ी है होनी चाहिए है। बनोटी ब्लॉक के वी डी सी चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह इंदू ने की भी इहदे पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए यह पुछना चाहिए कि यह लोग कौन है और इंदा जड़ा है इंदा जड़ा असली चेहरा है वह सामने गिनौना चेहरा जड़ा है वह सामने लिया जा कि ये लोग जड़े ने कियां लोगों को जी ठग बगियां करा करते हैं यह सोचने पौना। कठुआ स्टार तू
मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज कन्नै, धन्यवाद। जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो पक्की छत मिलेगी। वहीं आज एक मामला और भी फोर लेन वेस्ट वी में भी आया है, वहाँ भी कोई पैसे ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें डिफरेंट क्वार्टर से ये न्यूज़ मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे ऑफिस से, ना लोगों से, ना वो कोई जनप्रतिनिधि है। वो ऐसे जैसे बैंकिंग फ्रॉड होता है, लोगों को जाके झांसे में फंसाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। PMAY की सारी लिस्ट ऑनलाइन मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड करके लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे ले लेते हैं उससे। तो आज भी क्या आया केस, तो मेरी कंसर्न सरपंच साहब से बात हुई कि और वो हमें एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हम उस पर FIR लॉन्च करेंगे कि जो भी ऐसा केस जो ऑफिस के नाम पे या हमारे ब्लॉक के नाम पे जो ऐसे लोगों को एक तरह से ये फ्रॉड करके 400BC करके जो पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर हम अब एक्शन लेंगे। और मेरी कंसर्न SHO से भी बात हुई है, हम आज शाम को उन पर FIR लगवाएंगे कि इन फ्यूचर लोगों को और ये जो ऐसे लोग हैं मैसेज मिले कि आप किसी के नाम पे या किसी गरीब को बेवकूफ़ बना के पैसे नहीं ले सकते। और हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि आपका जो नहीं ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आने हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद इम्प्लॉई आपकी जियो टैगिंग कर रहा है और लोगों को हमारी 95% पैसे आ चुके हैं। 3-4% जैसे कभी किसी का खाता गलत है, कुछ है, उसकी वजह से हम उसको चेंज कराने में टाइम लगता है और ये लोग उस लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं। और लोगों से ये अपील है कि ऐसे लोगों को मत एंटरटेन करे, कोई आपसे किसी भी तरह से कोई एक रुपया कुछ भी डिमांड करता है, आप सीधे इस दफ्तर में, इस दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। और ऐसी जो भी पहले भी ग्रीवेंस आई है, हमने उस पर सख्त एक्शन लिया और जो आज भी आई है, जो आगे आई है, हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। समय साहब, हमने कई बार देखा है कि सरपंच का कहना होता है कि हम यहाँ से अपनी तरफ से जो घर बेचते हैं आगे के लिए, जिनके घर नहीं है, उनके अप्रूवल जो है वो आगे जाके कट जाते हैं। उसमें कुछ पंचायतों में इशू ये है, रीज़न ये है कि वो पंचायत जैसे फोर लेन ईस्ट एक रेवेन्यू विलेज है, बट उसके अंदर 3 पंचायतें आ गई, तो डाटा सिर्फ एक पंचायत में दिखता है। उससे क्या होता है कि 3-4 पंचायतों का डाटा इकट्ठा दिख जाता है, 4 पंचायतों से जब इकट्ठा आता है और वो हज़ारों में बेनिफिशरीज होते हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम जो एलिजिबल होते हैं जितना उनको उठा लेता है, बट उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक जितने रेवेन्यू विलेज हैं उतनी ही पंचायतें हैं, वो मैप नहीं होंगी, तो तब तक ये चीज़ थोड़ा इशू रहेगा। बट अब मेरी और भी जो जिन पंचायतों में ऐसा इशू हुआ, हमने उनसे बात की है कि जब भी ऐसा हो, जब हम सैंक्शनिंग करवाएंगे, वो आप खुद वेरीफाई करके हमें लिख के देंगे ये घर डिजर्विंग है, हम उसी की सैंक्शनिंग करेंगे। अगर किसी का नाम ऐसे भी आता है, हम उसकी घर की सैंक्शनिंग नहीं करेंगे। और हमने उनसे अपील की है और बाकी भी लोगों से अपील करते हैं कि जो नॉन डिजर्विंग बेनिफिशियरी है, कृपया उनको डिलीट करवाएं, बिकॉज वो लोग हमें कोई कहीं से लिख के ही नहीं आता कि इसको डिलीट करें, तो जब डिलीट ही नहीं करेंगे तो एलिजिबल लोग कैसे गुजरेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि एक सरपंच का कहना था कि कुछ IDs बनी हुई हैं जॉब कार्ड की, जो पैसे नाम एक का है और दूसरे बैंक में पैसे चले जा रहे हैं, उसका क्या मसला है? वो एक तो रूटीन में हमारी हर साल एक्सरसाइज होती है जॉब कार्ड वेरिफिकेशन की, उसके साथ आधार कार्ड सीडिंग की। हमारी ब्लॉक बनोटी की 99% जॉब कार्ड आधार सीडिंग है। अब आधार सीडिंग में ये है कि जो बेनिफिशियरी हम उसे बाउंड नहीं कर सकते कि वो एक ही खाता खोले। अगर एक जॉब कार्ड उसने खाता खोला, अगर वो कोई नया खाता खोलाता है, वहाँ आधार सीड कराता है, तो ऑटोमेटिकली जब उसकी जो दिहाड़ी पड़ेगी या उसे जो लेबर पड़ेगी, वो उस नए खाते में चली जाती है। और बेनिफिशियरी को ये बेनिफिशियरी हमें बताते ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ कहाँ खाता खुलवाया, वो कहते हैं जो जॉब कार्ड का खाता है इसी में पड़ना चाहिए। बट जहाँ आधार कार्ड सीड होता है, ऑटोमेटिकली आधार के बेस पे जो आधार बेस्ड पेमेंट होती है, वो उनके नए खाते में जाती, उन्हीं के खाते में है। बट ये कि फिर हम उन्हें बता देते हैं कि आपके इस खाते में पैसे गए हैं, वो उनको मिल जाते हैं। तो हम भी जैसे जितने भी जो सरपंच हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप बेनिफिशरीज को ये बोले कि जो उनका आधार सीडेड खाता है वही दें, तो उनका पैसा हमेशा ट्रेस हो जाएगा, कहीं भी पैसे की जो कहते हैं लीकेज ऑफ मनी, वो नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस है, अगर कई लोग विभाग पे भी जो हैं वो आरोप लगाते हैं, तो क्या ऐसे मुलाजिमों की भी तलाश की जाएगी जो लोगों को गुमराह करते हैं? हमने ओपन प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी पंचायतों मीटिंग होती है, जो हमारे BDC चेयरपर्सन हैं, BDC मेंबर हैं, जितने भी, हम उनको बोलते हैं कोई भी हमारे ऑफिस का मुलाजिम अगर ऐसा कोई मांगता है, आप हमें कृपया करके उसकी कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके दें, ये हमें दें। और हमें जब भी ऐसी कंप्लेन आई है पास्ट में, उस पर सख्त एक्शन हुआ, हमने यहाँ से उनको रिकमेंड किया डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, तो आप ACDO ऑफिस जाकर कन्फर्म कर सकते हैं। और बाकी इस ऑफिस में या जहाँ भी हैं, कहीं लोगों से ये फिर से अपील है कि किसी को पैसे मत दें, कोई पैसे नहीं मांगता, वो किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपके खाते में आपका नाम रजिस्टर है, अपने आप पैसे आएंगे।